आज हम देखेंगे पेज नंबर 20। लास्ट टाइम हमने 19 तक देखा कि व्हाट डिड नीना फाइंड व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द वेडिंग। टिल देन वी हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी सीइंग मेक अ सेंटेंस फ्रॉम प्लम। शी इज सर्टेन चीयरफुल प्लम्प वुमन, मीन्स शी इज़ अ वेरी गुड वुमन। बहुत ही अच्छे वुमन की निशानी है उनमें, उनको कुछ भी बोले तो भी वो चीयरफुल रहती है, वो हंसती है। तो ये एक अच्छी औरत की और इंसान की कहते हैं निशानी है। हाउ डिड नीना फील व्हेन शी केम बैक। इनका जो प्रश्न है ये है प्रश्न 24। तो नीना केम बैक फ्रॉम and she was thrilled to see the sparrows flying all over the room। तो thrill होना मतलब खुश होना, like आपके birthday के वक्त आप thrilled होते हो, but अगर आपको पूछा नहीं जाए कि बेटा आपको happy birthday नहीं किया तो बुरा लगता है। लेकिन अगर आप सोचो एक प्यारी सी सुंदर सी आपके लिए walkie talkie doll अगर लाए और boys के लिए एक मस्त walking और शॉकिंग सोल्जर लाए तो कितनी मज़ा आती है। आप क्या होते खुशी से भी परे होते हो आप, उसको कहते हैं थ्रिल। ओके, सो 25th का है कि नेम टू थिंग्स दैट यू कैन फील द बर्ड्स विथ। तो है ब्रेड क्रम्स एंड ग्रेन्स यू कैन फीड, जो आप फीड कर सकते हो बच्चों, वो दो चीज़ आप लिख सकते हो कि मैम हम ज्वार बाजरा ऐसा कुछ भी हम दे सकते हैं। तो ब्रेड क्रम्स होते हैं वो बहुत इजीली वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ग्रेन्स आप डाल सकते हो जो भी जिस प्रकार से आपको डालना हो बर्ड्स के लिए, तो उनको काफ़ी खाना ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और वो अच्छे से खा लेंगे। 26 में है वॉट न्यू थिंग्स यू लाइक टू वेयर फॉर अ वेडिंग। स्टूडेंट्स को अपने खुद से जवाब देना है क्योंकि ये प्रश्न मुझे नहीं रिलेट होता है, आपको रिलेट होता है कि अगर आप कोई वेडिंग में जा रहे हो तो आपको क्या पहनना है, आप क्या पहनेंगे। तो आप पहन सकते हैं शेरवानी या जो भी आपको मर्जी, और गर्ल्स पहन सकते हैं घाघरा चोली जो भी आपको अच्छा लगे, सो दैट यू कैन वेयर। ओके, और अनजम्बल द लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंग वर्ड्स। तो इधर जम्बल वर्ड्स आपको दिए हैं बच्चों 27 के, तो वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है रिमूव, सेकेंड है स्पैरो, ये आप देखते ही पहचान जाओगे क्योंकि जो बच्चे अच्छे से स्पेलिंग लर्न करते हैं उनको सबको पसंद पता चल ही जाता है कि जम्बल वर्ड्स में मैडम यही होगा। फ्रीली, वेडिंग, मार्केट, ब्रदर, बॉदर। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स हम थोड़ा सा ग्रामर करेंगे यहाँ पे बच्चों। एडजेक्टिव्स ये होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं, जैसे यू आर अ गुड गर्ल, तो आपको गुड में डिस्क्राइब किया, समझ में आ रहा है। जो भी नाउन आप बोलोगे वो डिस्क्राइब करेगा उसको कहते हैं एडजेक्टिव्स। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट साइज, कलर, शेप, एज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल बिग, शाइनी, ब्लैक, थ्री, कोल्ड, लेवर, क्लेवर, ये सब इनकी क्वालिटीज है जो आपको एज इन बताते हैं। जैसे आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हो तो आप घर पे जाके ऐसे बोलोगे कि मम्मा मुझे एक अच्छे फ्रेंड मिला है जो बहुत ज़्यादा क्लेवर है, मैथ्स के सम तो यूं सॉल्व कर देता है ना। तो ये हम बोलते हैं, या मुझे एक फ्रेंड अच्छी मिली है, तो ये हम क्या बोलते हैं। फ्रेंड को तो किसी ने देखा नहीं है, बट उनकी जो उपमा की आपने, उनकी जो आपने एक व्याख्या की है, तो उसके अनुसार आपको बता सकते हैं आप कि ये इंसान कैसा है। तो ये इंसान आपको डिस्क्राइब कर रहा है, जैसे अ बिग ट्री, अ ब्यूटिफुल फ्लावर, अ वाइल्ड एनिमल। तो क्या हुआ, वाइल्ड हो गया हमारा एनिमल का डिस्क्राइब करने का पैटर्न।
मैडम पांचवा धोरण तो आपको पता चला यहाँ एनिमल को हमने डिस्क्राइब किया है बच्चों। अब नेक्स्ट है एक अच्छा सा पिक्चर है अ न्यू ड्रेस। न्यू है, ओल्ड तो दिख नहीं रहा इसलिए हम न्यू बोलेंगे। हंग्री फॉक्स, फ्रॉक्स हमेशा हंग्री होते हैं, उनको जितना भी दो उतना कम होता है। ठीक है, स्टोरी में हमने ये भी पढ़ा है कि द फॉक्स हु वॉन्टेड टू हैव ग्रेप्स, है ना, ग्रेप्स खाने वाला भी फ्रॉग की स्टोरी हमने पढ़ी है। नेक्स्ट फाइंड इन द फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो आपको ब्रैकेट में ये दे दिए हैं वर्ड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं रखना है कि मैम मैं जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, तो ये चीज़ आपसे नहीं होगी। स्पेलिंग्स ऑलरेडी आपको दिए हैं, जैसे ब्यूटिफुल पिकॉक, रेड रोज या रेड एप्पल, है ना। नेक्स्ट हैप्पी गर्ल, ये आपको दिया गया है तो आप फटाफट लिख सकते हैं देख के। अ स्वीट मैंगो, अ लिटिल स्पैरो, एन ओल्ड मैन, तो ये कॉमन है। यंग तो दे बोल नहीं सकते तो ओल्ड ही बोलेंगे। पिक्चर जैसा है वैसे आपको लिखना है। नेक्स्ट है यूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव टू फिल द ब्लैंक्स। तो अभी आप तक पता चल गया होगा कि एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं। आपको जो है वो दे दिए हैं ब्रैकेट्स में, वुडन, डर्टी, पिंक, थ्री एंड थर्स्टी। देन हैंड लेड डैश, तो ये हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। देन द हैन लेड थ्री एग्ज, ओके, उन्होंने थ्री एग्ज की बनाए, काउंट किए, ले किए, मतलब हैन ने तीन अंडे डाले हैं, कहते हैं। टू थर्टी डर्टी पिग्स, टू डर्टी पिग्स स्लीप इन द पडल, पडल मतलब ऐसे एक खड्डा बना है उसमें डर्टी वाटर कलेक्ट हुआ है, तो वहाँ पिग्स को बड़ा मज़ा आता है। द थर्स्टी चिल्ड्रन ड्रैंक वाटर, अगर बच्चे हंग्री है तो खाना खाएंगे, बट वो पानी है तो जाहिर सी बात है थर्स्टी होंगे। द डैश टेबल इज़ वेरी ओल्ड, तो कैसा है, वुडन। आई लव डैश ड्रेस, कौन सा, पिंक, गर्ल्स को हमेशा पिंक पसंद आता है। फिर है हमारा पेज नेम, नंबर द जंबल पिक्चर स्टोरी करेक्टली एंड राइट द करेक्ट स्टोरी इन ऑर्डर। आपको ये स्टोरी पता है, ही ड्रॉप द स्मॉल स्टोन्स, एट द लास्ट ही सॉ अ पॉट, एक देर वॉज अ क्रो, तो फर्स्ट होगा देर वॉज अ क्रो, ये हो गया हमारा फर्स्ट, देखिए, ओके। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, देर वॉज अ को, ही वॉज वेरी थर्स्टी, ही वेंट टू हैव वॉटर, है ना, ही लुक्ड एवरीवेयर बट ही कुड नॉट फाइंड वॉटर एनीवेयर। तो ये आपको ब्यूटीफुल राइटिंग में नीचे यहाँ लिखना है। और फिर सेकेंड, एट लास्ट ही सॉ अ पॉट हैविंग अ लिटिल वाटर इन इट, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, ही ड्रॉप स्मॉल स्टोन्स इन टू द पॉट, और फाइनली उन्होंने क्या किया, ही द वाटर केम अप, ही ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू हैप्पीली। तो ये स्टोरी बड़ी मज़ेदार है, अगर आपको बोले कोई कि प्लीज़ आप स्टोरी बोलिए तो आप ये स्टोरी बोल सकते बिना झिझक, क्योंकि बहुत ही ईजी स्टोरी है ये। इसके साथ ही हमारा ये पेज नंबर 23 यहाँ फिनिश होता है, पेज नंबर 23 यहाँ फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बच्चों, बाय बाय।